देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों का पानी मत रोकिए। जो हमारे हक का पानी है, हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं मांग रहे, हम दिल्ली के हक का पानी मांग रहे हैं। जो हमारे लिए निर्धारित कोटा है, उतना पानी हमें दिया जाए। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। मुझे भाजपा के लोग दुनिया का कोई विज्ञान बता दे, भारत के प्रधानमंत्री कोई विज्ञान बता दे, कोई एक ऐसा तरीका बता दे बीजेपी के लोग जिससे पानी बनाया जा सके। किस बात की दुश्मनी निभा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों से? आतिशी जी 5 दिनों से अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी, रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी लगभग 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थीं और उनकी एक ही मांग थी कि दिल्ली के हक का पानी, दिल्ली के अधिकार का पानी लगभग 28 लाख लोगों के लिए इस्तेमाल होने के बराबर का पानी दिल्ली को दिया जाए। हरियाणा की सरकार से जो हमारा एग्रीमेंट है, 613 एमजीडी पानी दिल्ली को मिलना चाहिए। चुनाव का परिणाम आने के बाद पिछले 3 हफ्ते से लगातार, 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया, लगातार दिल्ली का पानी 100 एमजीडी कम आ रहा था। इसको लेके उन्होंने अपना यह अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। इस बीच हरियाणा की सरकार से भी उन्होंने बातचीत किया, दिल्ली के एलजी साहब से भी बातचीत किया, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों का पानी मत रोकिए। जो हमारे हक का पानी है, हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं मांग रहे, हम दिल्ली के हक का पानी मांग रहे हैं। जो हमारे लिए निर्धारित कोटा है, उतना पानी हमें दिया जाए। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, कहीं उनकी गुहार की सुनवाई नहीं हुई और दिल्ली के लोग इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से लगातार जूझ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा निर्धारित हुआ था। 1994 में, जब लगभग दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास थी, आज 3 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की आबादी है। 1994 में भी दिल्ली के पानी का कोटा था 1005 एमजीडी और 30 साल के बाद जब आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई, तब भी दिल्ली के पानी का कोटा है मात्र 1005 एमजीडी। मुझे भाजपा के लोग दुनिया का कोई विज्ञान बता दे, भारत के प्रधानमंत्री कोई विज्ञान बता दे, कोई एक ऐसा तरीका बता दे बीजेपी के लोग जिससे पानी बनाया जा सके। जो हमारा निर्धारित कोटा है, अगर उतना पानी भी हमें नहीं मिलेगा, एक तो 3 गुना आबादी पर उतना ही पानी हमको मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए कैसे दिल्ली के अंदर आपूर्ति हो सकती है, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी दिया जा सकता है पर्याप्त मात्रा में, जब हमें मिलेगा ही नहीं पीछे से। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 9-9.5 साल के अंदर 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया, 12,000 नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया, 12,000 किलोमीटर। कैनाल के अंदर पानी की बर्बादी ना हो, इसको पक्का कराने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किया दिल्ली की सरकार ने। जितने प्रयास हमारी तरफ से हो सकते थे हमने किया, हर स्तर पे कोशिश की कि दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। पहली बात तो ये समझ लीजिए
एक आदमी के लिए मान लीजिए एक गिलास पानी होता है, आदमी की संख्या हो गई तीन, लेकिन पानी उतना ही है, एक गिलास पानी ही है जिसमें तीन लोगों को पानी पिलाना है, उसमें से भी आप कटौती कर रहे हैं। ये कौन सा न्यायपूर्ण तरीका है और किस बात की दुश्मनी निभा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों से? ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 7 सीटें देके जिता दिया, ये कि दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री बन गए, ये दिल्ली वालों का गुनाह है, अपराध है। पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली के लोग 7-7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जिता रहे हैं। इन सवालों को लेके आतिशी जी 5 दिनों से अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, डॉक्टर उनको बार बार कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़िए, लेकिन कल रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले LNJP के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, LNJP में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में LNJP के डॉक्टरों को फिर बताया गया, मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए, ब्लड शुगर कितना है इस वक्त कितना है, तो 1-2 बार वहां फिर चेक हुआ, अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई, 36 जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन जा सकता है, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, उनका जीवन जा सकता है। फिर हम सारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आपस में बातचीत किया और रात को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास उनको LNJP में एडमिट कराया गया और ICU में उनको भर्ती किया गया। आतिशी जी अभी भी LNJP के ICU में भर्ती हैं। रात में जब गई तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी सारी जांच चल रही है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही ICU से आतिशी जी निकले, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। LNJP के अंदर ICU में जो डॉक्टर हैं वो उनकी देखभाल कर रहे हैं और आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए, जो हमारा अधिकार है वो पानी दिलवाइए। बीच में हमारा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से भी मिला था और उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराइए। उन्होंने उसी दिन शाम को 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, जिसकी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सूचना भी दी आप लोगों को और आश्वस्त किया कि दिल्ली को पानी मिलेगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब इस लड़ाई का, जो अनशन की लड़ाई थी, जो अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई थी, उसको विराम दिया जा रहा है।
लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर पानी की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता हो ये प्रयास हम लोग करेंगे। मौसम भी ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है पिछले दिनों में, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले दो दिनों से थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा तो बढ़ी है। जो 100 एमजीडी कम था वो लगभग 90 एमजीडी पानी कम हुआ है, 10 एमजीडी पानी बढ़ा है, तो ये धीरे धीरे जो पानी की मात्रा है वो भी बढ़ेगी और स्थितियां बेहतर होंगी ऐसी उम्मीद है। और मैं इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ। सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ और रात लगातार हॉस्पिटल में रहा, तो लोकसभा स्पीकर के लिए अभी चयन वोटिंग होगी नहीं होगी, सर्वसम्मति से चुने जाएंगे, वो देखने के बाद ही कुछ बोलना ठीक होगा।